नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों के नाम से हटेंगे हरिजन शब्द, हरिजन की जगह अनुसूचित शब्द का होगा इस्तेमाल। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा पदाधिकारियों को दिए आदेश। हर प्रखंड में कम से कम एक बस स्टैंड का होगा निर्माण। पंचायतों में लगी 2,99,458 स्ट्रीट लाइट। जिला परिषदों की मीटिंग हॉल के निर्माण में आएगी तेजी। बिहार के बच्चों ने अपनी प्रतिभा से देश में मनवाया लोहा। किलकारी बाल भवन के बच्चों ने बनाया आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट। इन्हें देश भर में मिला पहला पुरस्कार। पूजा पंडालों को अस्थाई मिलेगी बिजली कनेक्शन। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। जाने कितने रुपए की दर से मिलेगा कनेक्शन। आज भारत पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये मुकाबला अहम। भारत हारा तो सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना होगा चकनाचूर। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विद्यालयों के नाम से हरिजन शब्द हटाकर अनुसूचित जाति का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी स्कूल में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये निर्देश नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा है। ये मुद्दा बिहार विधान परिषद में उठने के बाद एक बार फिर चर्चा में आया। जून 2020 में भी शिक्षा विभाग ने हरिजन शब्द हटाने का आदेश दिया था, लेकिन कई स्कूलों के नाम नहीं बदले गए। अब फिर से इस आदेश को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के किलकारी बाल भवन के बच्चों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का को साबित किया है। उन्हें आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट के लिए देश भर में पहला पुरस्कार मिला है, जिसमें 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया। ये प्रतियोगिता सैमसंग कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से 8 प्रोजेक्ट का चयन किया गया था। किलकारी की टीम में शामिल बच्चों जिसमें अर्पित सांभवी और अभिजीत ने इस फिल्टर को तैयार किया है, जिससे अब तक 5 पेटेंट मिल चुके हैं। ये फिल्टर गंगा किनारे के गांवों को आर्सेनिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसकी मदद से लाखों लोगों को साफ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। किलकारी की निदेशिका ज्योति परिहार ने इस सफलता को बड़े गर्व की बात बताई है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में खतियान लेखन महत्वपूर्ण है। अब तक लगभग 10,000 गांवों में ये काम पूरा हो चुका है, जबकि करीब 25,000 गांवों में कार्य जारी है। राज्य में करीब 38 लाख लोगों ने अपनी भूमि का ब्यौरा दिया है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय प्रिय दर्शनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी साझा की गई है। 37,98,514 आवेदन प्रपत्र 2 के तहत मिले हैं। इनमें से 15.55 लाख रैयतों ने ऑनलाइन अपने कागजात अपलोड किए हैं, जबकि 19.93 लाख आवेदन सर्विस शिविरों में ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। रोहतास जिले से सबसे अधिक 3.93 लाख आवेदन आए हैं, जबकि भोजपुर जिले से सबसे कम 33,355 स्वघोषणा फॉर्म प्राप्त किए गए हैं। सभी जिलों को अधिक रैयतों से संपर्क करने के निर्देश मिले हैं। 25 जून से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा कोष ऐप का उपयोग शुरू किया था, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उनके अनुसार इन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक अब मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की बाध्यता से मुक्त होंगे। ये निर्णय बाढ़ के कारण स्कूलों में नियमित उपस्थिति में कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है। इससे शिक्षकों का मानसिक दबाव कम होगा, क्योंकि उन्हें उपस्थिति की चिंता नहीं रहेगी। ये कदम शिक्षा प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने और छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होगा, जिससे शिक्षकों को अपने कर्तव्यों को निभाने का अवसर मिलेगा। शारदीय नवरात्र में श्रद्धा और आस्था का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सभी विद्युत अवर प्रमंडलों को सुरक्षित और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी दुर्गा पूजा पंडालों को बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। नवादा विद्युत अवर मंडल के सहायक अभियंता प्रत्युष कुमार के अनुसार पंडाल में 1 किलोवाट लोड के लिए 2,049 रुपये, 5 किलोवाट के लिए 7,507 रुपये और 10 किलोवाट के लिए 12,576 रुपये शुल्क होंगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी है। ये आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया था, जिस पर न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2024 तक जवाब मांगा है।
यह आदेश जस्टिस नानी तागिया की एकल पीठ किन्ने किशोरी दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित की है। शिक्षा निदेशालय ने 4 सितंबर को एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि कोई नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के प्रभार में है तो उसे बीपीएससी के शिक्षक को सौंपना होगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों के पास केवल 1 वर्ष का ही अनुभव है जबकि प्रधानाध्यापक के लिए 8 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा है कि नियमित नियुक्ति का परीक्षा परिणाम आने के बाद पद भरे जाएंगे। शनिवार को पटना के अधिवेशन भवन में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह विभागीय योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को हर प्रखंड में कम से कम 1 बस स्टैंड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा न्याय मित्र और कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का भी आदेश दिया है। विभाग ने अब तक 2,99,458 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं जबकि सितंबर में 50,000 का लक्ष्य था और 60,000 पूरा किया गया। उन्होंने जिला परिषदों की मीटिंग हॉल के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि संबंधित शिकायतें ई पंचायत बिहार पोर्टल पर दर्ज की जाएं। जिला परिषदों की वेबसाइट भी तैयार है जिस पर सभी सूचनाएँ सार्वजनिक की जाएंगी। 1455.79 करोड़ रुपए का बिल सरकारी विभागों पर बकाया है जिसमें साउथ बिहार के 783.78 करोड़ और नॉर्थ बिहार में 622.1 करोड़ का बकाया है। बिहार कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों से जो जानकारी मिली है कि प्रदेश में 1,87,640 सरकारी कनेक्शन है। कई ऐसे विभाग हैं जो साल के अंत में बिजली बिल का भुगतान तो करते हैं, हालांकि कई विभाग ऐसे भी हैं जो बहुत कम बिजली का भुगतान कर पा रहे हैं जिस वजह से बकाया रकम बढ़ रहा है, जिसमें पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और शिक्षा विभाग का नाम शामिल है। इसके अलावा कंपनी को हर घर नल का जल योजना के तहत जारी होने वाले कनेक्शन का भी बिजली बिल नहीं मिल पा रहा है। इस बाबत बिजली कंपनी ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कंपनी ने बिजली बिल के भुगतान की अपील की। आपको बता दें कि सरकारी विभागों से बकाया वसूली करने की समस्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद समाप्त हो जाएगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये चार्जशीट पटना स्थित विशेष कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। जांच के दौरान सीबीआई ने अब तक 3 चार्जशीट दायर की है जिनमें कुल 40 आरोपी हैं। पहली चार्जशीट में 13, दूसरी में 6 और तीसरी में 21 लोग शामिल है। सीबीआई का आरोप है कि 5 मई को नीट के पेपर्स हजारीबाग के ओसीएस स्कूल में पहुंचाए गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज आलम ने मास्टरमाइंड पंकज कुमार को कंट्रोल रूम में जाने की इजाजत दी थी। चार्जशीट में आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे 120B जो आपराधिक साजिश के तहत और 420 धोखाधड़ी के तहत लगाई गई है। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान लोग अपना खाता खेसरा ढूंढने में परेशान हैं और राजस्व कर्मी इसका फायदा उठाकर घूस मांग रहे हैं। बगहा में ठकराहा प्रखंड के एक राजस्व कर्मचारी जगई राम का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार वो LPC यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक व्यक्ति से 1,000 रुपये की घूस ले रहा था। जगई राम पहले भी घूस लेने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद जब मामला सामने आया तो इस पर SDM कुमार गौरव ने कहा कि वीडियो की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। लोगों से अपील की गई है कि यदि कोई घूस मांगता है तो उसे सीधे प्रशासन से संपर्क करें। जनता दल यूनाइटेड की पूर्व MLC मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव उर्फ राकेश रंजन को NIA के DSP अजय प्रताप सिंह ने 3 करोड़ की घूस मांगने के लिए धमकाया था। रॉकी को उसके घर से बरामद हथियारों में AK-47 रखने और नक्सली पर्चे के में नाम लिखकर उसे फंसाकर जेल भेजने की DSP ने धमकी दी थी। ये धमकी 24 सितंबर को पटना में जांच एजेंसी के ऑफिस में दी गई थी। रॉकी ने 3 अक्टूबर को CBI को 6 पेज की शिकायत भेजी ईमेल के जरिए। शिकायत मिलते ही CBI इसकी पड़ताल में लग गई। इसके बाद CBI ने DSP को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पहली किस्त के तौर पर 50 लाख रुपये मांगे गए थे जो बाद में 25 लाख पर तय हुए। इसके अलावा दूसरी किस्त के लिए 70 लाख रुपये की मांग की गई थी लेकिन सौदा 35 लाख रुपये पर हुआ था। रॉकी ने सबूत के रूप में ऑडियो वीडियो CBI को दिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के बढ़ते घाटे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने रेल किराया और प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ा दी हैं और स्टेशन भी बेचे हैं। लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि अब सरकार रेल की पटरियां भी बेच सकती है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनरल बोगियों को की संख्या कम कर दी है और बुजुर्गों को मिलने वाले लाभ समाप्त कर दिए हैं। साथ ही रेलवे की सुरक्षा घटने से हादसे बढ़ रहे हैं। लालू यादव ने 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए रेलवे को मुनाफे में लाया था, लेकिन उन पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप भी लगे हैं। जदयू की राज्य कार्यकारिणी बैठक से पहले कई जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई। प्रदेश जदयू कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में नीतीश कुमार को ये सम्मान देने की अपील भी की गई है। इस पोस्टर को जदयू के प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार उर्फ छोटू ने लिखवाया है। उन्होंने लिखा है, भारत सरकार से मांग, प्रख्यात समाजवादी बिहार विकास पुरुष नीतीश कुमार जो कि भारत रत्न दिया जाए। इस पर आरजेडी ने तंज कसा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे पागलपन करार दिया है, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार सत्ता में है। जदयू नेता छोटू सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इस मांग को उठाएंगे। सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने इस मांग का समर्थन किया है। पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खाली कर दिया है। अब ये आवास भवन निर्माण विभाग को सौंपा गया है, जहां मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजयदशमी को गृह प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को यहाँ ये आवास सौंपा गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस आवास को सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। तेजस्वी के हाउस गार्ड वहाँ से हट गए हैं और अब सम्राट चौधरी के हाउस गार्ड और अन्य कर्मी यहाँ आ चुके हैं। 25 सितंबर से ही तेजस्वी यादव ने आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नए रंग रोगन और सफाई का कार्य किया गया, जबकि अंदर के कमरों का रंग सम्राट चौधरी की सहमति से करवाया जाएगा। तेजस्वी का नया पता अब एक पोलो रोड है। आज महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले को क्रिकेट की दुनिया में महामुकाबला माना जाता है और दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया के लिए ये मैच खास तौर पर अहम है, क्योंकि पहले मैच में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। यदि भारत पाकिस्तान से हारता है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने को तगड़ा झटका लगेगा। वहीं पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल करने का प्रयास करेगा। अगर पाकिस्तान जीतता है तो उसकी सेमीफाइनल की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वर्तमान में पाकिस्तान ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत अंतिम स्थान पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है, जयराम कुमार शर्मा, कंचन कुमारी, रवि मोहन वर्मा, छोटू राजा, ओमकार सिंह, आलोक प्रिय दर्शी, सादुल्ला पालवी, नौसाद राजा, बाबूलाल मरांडी, विनोद महात्मा, रविशंकर, गुनर शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, सपना कुमारी, मोहम्मद सबीर, उदय कुमार सिंह, सुकांत शंकर, राजकिशोर महतो, बबलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर क्या माहौल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।